हमारे पोटैटो गार्लिक पोटैटो बाइट बन के तैयार हो गए हैं। और इसका पूरा प्रोसेस आगे देखिए, बहुत ही सिंपल आसान है और सॉस के साथ मैंने सर्व किया। नमस्कार, मैं रश्मि मिश्रा, रश्मि खजाना में एक स्नैक्स बनाने जा रही हूँ, गार्लिक बाइट, पोटैटो गार्लिक बाइट। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। इसमें 3 आलू मीडियम साइज़ के लिए मैंने ये एकदम अच्छी तरह से मैश कर लीजिए। इसको कद्दूकस कर लीजिए तो और अच्छा है, उसमें एकदम गांठे नहीं रहे। तो मैंने भी कद्दूकस कर लिया है। और थोड़ा सा मैंने ये सूजी ली है, 1 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्ची, हरी धनिया, ओरेगानो और ये मैदा और नमक, नमक के स्वाद के अनुसार डलेगा। तो इसको क्या करना है वो आगे मैं अपना प्रोसेस दिखाती हूँ। और 1 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर भी, ये देखिए मेरा ये आलू है। अब इसमें मैं सूजी जो एक है 1 टेबल स्पून, बस महीन वाली सूजी डालिए, और हरी मिर्ची और ये अदरक लहसुन का पेस्ट ये डाल दीजिए, और इसमें ये डालिए ऑरिगेनो। ऑरिगेनो से थोड़ा सा इटालियन टेस्ट आता है। और ये पोटैटो वाइट आप 5 मिनट में, आपके पास अगर आलू है 5 मिनट में बना सकते हैं, सारी चीज़ घर में रहती है अवेलेबल। और थोड़ा हरा धनिया डालेंगे, महीन हरा धनिया डालिए काट के, और नमक स्वाद के अनुसार, नमक जैसा आपको खाना है ज़्यादा कम। और इसको टोमेटो सॉस के साथ खाइए, बहुत ही लगता है कोई भी मीठी चटनी के साथ, जैसे टोमेटो सॉस वगैरह से बहुत अच्छा लगता है। और इसमें 1 चम्मच ये कॉर्नफ्लोर मैंने डाला, और इसमें कम से कम 2 टेबल स्पून मैदा डालिए, अगर कम लगता है तो और डालिए। और इन सब चीज़ों को ऐसे डो की तरह बना लेंगे जिससे अच्छी तरह से बाइंडिंग आ जाए। हाँ, इतना बहुत है, देखिए अच्छी तरह से बाइंड हो रहा है, एक डो बन जाएगा बस। तो 2 टेबल स्पून मैंने मैदा डाला, 1 टेबल स्पून सूजी, और 1 टेबल स्पून से वो कॉर्नफ्लोर, और नमक, ऑरिगैनो, जिंजर गार्लिक पेस्ट और सारी चीज़ें मिला ली। और इसको इस तरह से अच्छी तरह से एकदम भून लेंगे अच्छे से, वो पॉट छोड़ देगा। और इसको क्योंकि इसमें मॉइस्चर होता है, तो अगर कम लगता है कि गीला हो रहा है तो थोड़ा सा और डाल लीजिए, बस ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं, इतना डालिए कि अच्छी तरह से हो जाए। मैं थोड़ा बना के दिखा रही हूँ आपको, और ज़्यादा आलू लेके उसके साथ बनाना है तो आप उस तरह से बना सकती हैं। मैं थोड़ा ही बना रही हूँ आपको दिखाने के लिए। ये इस तरह से ये डो बन गया, इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे, 5 मिनट, और 5 मिनट बस। उसके बाद छोटे छोटे टुकड़े गोल गोल बना लीजिए, चपटे बना लीजिए, या छोटे छोटे रोल बना के। तो मैं जो रोल बनाना आपको दिखा रही हूँ अभी दिखाती हूँ, ये देखिए। अब इसकी ना जैसे मैंने ये रोल जो बने हैं, तो इसकी एक छोटी लोई ले ली इतनी बड़ी, और इसको चकले पे ऐसे ऐसे करके, ये आप एक ये सिलेंडर के आप की तरह लंबा गोल गोल बनाइए, और इसको ऐसे, और इसको इस तरह से बना के एक साथ रख लीजिए किसी भी बर्तन में। आप ऐसे बना लीजिए, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में कर लीजिए, और थोड़ा सा इसमें ये सूखे आटा डाल दीजिए जैसे वो गीला ना हो, और उसको फ्रिज में बना के रख दीजिए ऐसे छोटे छोटे टुकड़े। अभी एक रोल और बन जाएगा मेरा। थोड़ा आटा डालिए, ये आटा क्या, वो मैदा डाल लीजिए, आटा डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए। अब इस तरह से बन गया ऐसे। अब इसको ऐसे छोटे छोटे रोल्स बना लीजिए, बाइट्स बनेंगी ये। सिंपल इजी स्नैक्स स्टार्टर, आप ऐसे पार्टी हो आपके घर में उसमें भी खिला सकती हैं, फटाफट बनने वाला। देखिए बन गया, ये हमारा स्टार्टर बन गया। और इसको रख दीजिए, और जब खाना हो चाय के साथ या स्टार्टर आपको सर्व करना हो, फटाफट गर्मा गर्म तलिए और डीप फ्राई करके, और आप इसको खिलाइए। बहुत ही लाजवाब टेस्टी स्नैक्स बन के तैयार होता है। देखिए मेरे छोटे छोटे बाइट्स, पोटैटो बाइट्स तैयार हैं। इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था कि जब मुझे बनाना हो या आपको बनाना हो उसी समय फ्राई कीजिए, एकदम गर्मा गर्म, तभी अच्छा लगता है। और आप जब चाहें इसको इस तरह बना के और किसी चीज़ में रख दीजिए और फ्रिज में रख दीजिए, और जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें डीप फ्राई करिए, और गर्मा गर्म सुनहरा भुनिए, और सॉस के साथ खाइए, बहुत ही अच्छे लगते हैं। मेरा गर्म हो गया, और खूब गर्म रहे तभी ये
पोटैटो बाइट्स को डालिए, एक डालिए उससे अंदाज़ा लग जाएगा। देखिए बिल्कुल तेज गर्म है, अब सारे हम डाल देंगे और खूब अच्छी तरह से इसको सुनहरा डीप फ्राई कर लेंगे। कितने बढ़िया सुनहरे तल रहे हैं, अब इसको गर्मा गर्म निकाल लेंगे और सॉस के साथ वाइट गार्लिक के साथ बहुत ही चटपटे बढ़िया बन के तैयार हुए हैं। गर्मा गर्म इसी तरह चाय के साथ, स्टार्टर की तरह, स्नैक्स की तरह आप यूज़ कीजिए और सर्व कीजिए। बहुत ही लाजवाब, आप भी ऐसे बनाएं, खाएं, खिलाएं और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान 10 मिनट में बनने वाला स्नैक्स।